टाइम में चेंज किया जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का एवरीबॉडी नो वेरी वेल, ब्लैक विल बी योर राइट नेक। आई वाज पुटिंग द इमेज, इस इमेज को आप देखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कलर होता है बॉडी जो है ऑलमोस्ट ऐसा होगा, ब्लैक होगा और नेक कैसा होगा, व्हाइट होगा। कलर पूछा जाता है कभी कभी इमेज बुक किया होता है। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टोर करने का जो प्रेशर है 1200 पाउंड पर 1000 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच, दैट इज द प्रेशर वी आर पुटिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर। देन ओपन करने का जो तरीका है जस्ट एनी क्लॉकवाइज, हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली क्लॉक जो है इस तरीके से आपकी क्लॉक चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जस्ट ऑपोजिट होता है क्लॉक, जिधर घड़ी की सुई चलती है जस्ट ऑपोजिट आपका ओपन करने का तरीका होता है। और ह्यूमिडिफायर तो नॉर्मली है, ह्यूमिडिफायर देखिए ह्यूमिडिफायर का मेन पर्पज होता है टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको मॉइस्चर बनाए रखने का काम होता है, और यदि मॉइस्चर नहीं रहेंगे तो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन ग्रोथ टू बी बिल्ट अप। और ह्यूमिडिफायर जो नॉर्मली है दैट विल बी चेंज फॉर एवरी 24 आवर्स, कितने आवर्स से चेंज करना है, 24 आवर्स ह्यूमिडिफायर चेंज करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर को जब आप ओपन करोगे तो एंटी क्लॉक वाइज ओपन करना है। नॉर्मली ऑक्सीजन सिलेंडर को 2200 पाउंड पर 1000 केजी पर स्क्वायर इंच के प्रेशर पर पुट करके रखना है, और कलर जो है ब्लू ब्लैक होता है मैं व्हाइट होता है। कौन सा मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नेजल। देखिए ये ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इससे बिलोंग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होगा। दैट इज द नेजल कैनुला, कौन सा मेथड है, नेजल कैनुला। इसमें क्या रहता है, ये जो नेजल प्रॉन्स होते हैं नाक के अंदर पुट किया जाता है, नेजल प्रॉन्स को नाक में पुट करने के बाद में ईयर के ऊपर से लेके नेक के फ्रंट पर फिक्स करना होता है, बिहाइंड द नेक फिक्स नहीं करना है, जस्ट फ्रंट ऑफ द नेक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेजल से जब अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं या नेजल कैनुला से करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्लो रेट कितना होता है। मिनिमम और मैक्सिमम फ्लो रेट का मतलब मिनिमम 1 लीटर और मैक्सिमम 6 लीटर पर आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जो नेजल कैनुला से जब आप 1 लीटर नेजल कैनुला से जब आप 1 लीटर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर का परसेंट आपको ऑक्सीजन मिलेगा 24%, कितना मिलेगा 24, मतलब 1 लीटर मिलेगा। और इसको आप बढ़ाओगे यदि आप 2 लीटर का तो याद रखना प्लस क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 का मतलब 24 की जगह क्या हो जाएगा 28% कम से कम मिलेगा जब आप यहाँ कितना होगा 30, और 5 लीटर की बात करें फिर प्लस 4 होगा कितना हो जाएगा 40, तो 1 लीटर में कितना जा रहा है 24, 6 लीटर में कितना जा रहा है 24, I was putting here 24 to 44, means 8 लीटर 24% ऑक्सीजन डिलीवर करता है और 6 लीटर 44% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवर करने का जो वॉल्यूम होगा 1 to 6 लीटर पर मिनट, डिलीवर करने का जो वॉल्यूम होगा 1 to 6 लीटर पर मिनट। अब पूछा जाता है कि जब आप नेजल कैनुला से ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो क्या कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। एक आपसे पूछा जाएगा कि पेशेंट सफर विद सीओपीडी, सीओपीडी का पेशेंट है तो नेजल कैनुला से आप कितना ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। यदि एमआई का पेशेंट है, एमआई के पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, नेजल कैनुला। ये दोनों आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आई वाज पुटिंग हियर सीओपीडी वाले पेशेंट यदि आप देते हो तो नॉट मोर देन यू हैव टू डू लीटर, और दूसरा किसको दे सकते हो एमआई वाले। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हिच इज द बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन पेशेंट सफर विद सीओपीडी, तो आंसर क्या लिखना है वेंटुली मास्क, क्या लिखना है वेंटुली मास्क। वेंटुली मास्क जो है ये सीओपीडी का बेस्ट मेथड है। यदि वेंटुली मास्क ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या लिखना नेजल कैनुला, यदि वेंटुली मास्क दिया हुआ है तो द बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन पेशेंट सफर विद सीओपीडी दैट इज अ वेंटुली मास्क। आजकल वायरस पैंडेमिक के बारे में काफी कुछ आने लगे हैं, ऐसी चीजें आप सभी को पता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पूछी जाती है। वायरस पैंडेमिक से वो कौन क्वेश्चन आता है, वो लेडी मिलता है, इसको बोलते लेडी मिलता है,
आपसे पूछिए फर्स्ट स्टैंडिंग में गलत कर दो सबने करेक्ट भी किया हो ये सबको आता है पर कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि 12 मई 1824 को उसको जन्म हुआ कौन सी सिटी में हुआ कौन सी कंट्री में हुआ सिटी पूछा जाए तो फ्लोरेंस और कंट्री पूछा जाए तो इटली सिटी कौन सा है फ्लोरेंस डेथ पूछा जाए तो 13 अगस्त को डेथ हुआ और लंदन या अमेरिका से नहीं है बर्थ और डेथ का डेट पूछा जाता है 12 मई को फिर अस्सी डे मनाते हैं और 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ और 13 अगस्त 1910 को उसकी डेथ हुई मार्च 1854 में क्रिमिनल वॉर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल शी इज द फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन ये सबसे फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रुप में जाना जाता है इसीलिए इसको पर्टिकुलर अवार्ड भी मिला तो मार्च 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन क्रिमिनल वॉर और क्रिमिनल वॉर में उन्होंने सोल्जर की हेल्प की और सोल्जर की हेल्प करने के लिए उन्होंने लैम्प के नाम से जाना जाता है मॉडर्न नर्सिंग आल्सो देयर इज अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मॉडर्न नर्सिंग की फॉर्मूली 1860 में कहलाई ऑनलाइन एमसीक्यू जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फर्स्ट नर्सिंग फ्लोरेंस कौन है हो सकता है यहाँ पर लिखा हो डॉरन का और यहाँ पर लिखा होगा मैथ्यू निमर्स है ना यहाँ पर और किसी इवन रॉय का नाम है फ्लोरेंस Dorota E. Orams. Self-care deficit theory was given by the Dorota E. Orams. The 14 human based theory was given by the Virginia Anderson. देखिए, फ्लोरिस में पर्टिकुलर थ्योरी दिया है एग्जाम में थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरी का नाम लिखा कभी कभी थ्योरिस के बारे में पूछते हैं कभी थ्योरिस का नाम लिखा थ्योरी के बारे में पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीन थ्योरी यहाँ पूछी जाती है एनवायरमेंटल प्रोटीन बेसिक नीड और सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी ये तीन इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया प्रोटीन बेसिक नीड वर्जीनिया एंडरसन ने दिया सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी डॉरोथा ई ऑरम्स ने दिया देन यूनिटी ह्यूमन बीइंग मार्था वाटसन शी वाज द वन यूनिटी ह्यूमन बीइंग देन ह्यूमन सिस्टम मॉडल गिवन बाय द बैटी ह्यूमंस ह्यूमन सिस्टम मॉडल गिवन बाय द बैटी ह्यूमंस Introduction of nursing in adaptation model given by the sister Krista Roy. Sister Krista Roy. These are the theorists. This is the important yard of the Florence Nightingale, environmental theory, Virginia Henderson, 14 basic needs, or Dorota E. Orams, self-care deficit theory. उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिटरी ह्यूमन बीइंग किसने दिया मार्को रोजो ने ह्यूमन नाम से मुझे पता है ह्यूमन सिस्टम मॉडल किसने दिया इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग एंड अडॉप्टेशन मॉडल किसने दिया सिस्टर क्रिस्टा रॉय तो ये कुछ टूरिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है पर फर्स्ट टूरिस्ट किसको कहते हैं पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेटापैरेडिग्म कितने एलिमेंट्स होते हैं और फोर में सब
such an important comment, that is a person. Even कभी कभी पूछते हैं hospital में, hospital में सबसे important element कौन होगा? Nurse होगा, patient होगा, doctor होगा, तो वहाँ पर कौन है? Without patient भी can't do anything. Patient ही नहीं है तो अपन क्या करें? वहाँ सबसे important person कौन है? Patient. Patient लिखा होगा, nurse लिखा होगा, doctor लिखा होगा, director लिखा होगा. But important कौन होगा वहाँ पर? That's the patient. यहाँ पर बैठा पड़ी देख कौन important है? Person. एग्जाम में पूछिए बैठा पड़े देख कितने एलिमेंट्स होते हैं? सबसे important कौन है? Person. That कुछ specific है जैसे क्वेश्चन आता थी with the first anesthetic nurse. First anesthetic nurse कौन है? Our sister Mary Bernard. आजकल first psychiatric nurse, first anesthetic nurse, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे वन लाइन क्वेश्चन जो आता है कि first anesthetic nurse जो है सिस्टर मैरी बर्नार्ड. एक क्वेश्चन आता है first nurse कौन है? अगेन मैरी एग्नेस स्लेवली. अभी वन दिन ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फर्स्ट नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो नर्सिंग की हुई नहीं थी. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्क एज अ नर्सिंग केयर है ना, उसने नर्सिंग बहुत बात लगी थी. तो फर्स्ट नर्स में क्वेश्चन आएगा एग्जाम है तो लिखना मैरी एग्नेस स्लेवली शी द फर्स्ट नर्स दैट इज इन द वर्ल्ड. कभी कभी आपसे पूछिए फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड, पहला नर्सिंग स्कूल वर्ल्ड में कौन सा है? Then Filippo Hospital School of Nursing, New York City, 1873 is the first nursing school in the world. अपने इंडिया की भी बात करें, इंडिया में पहला नर्सिंग स्कूल काम करता था मद्रास, है ना? आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में पहला नर्सिंग स्कूल, कॉलेज की बात नहीं कर रहे, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो पहला नर्सिंग स्कूल वर्ल्ड में कौन सा है और ऑलमोस्ट कौन सी ईयर में ओपन हुआ? दैट इज न्यूयॉर्क सिटी. आजकल मोदी जी बहुत काम करते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, है इंडियन अमेरिकन, तो दैट इज न्यूयॉर्क सिटी. आपसे पूछा जाए इंडिया में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया, इंडिया में पहला जो नर्सिंग स्कूल है गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास. और हमेशा कहते हैं कि नर्सिंग साउथ में पहले डेवलप हुई थी और धीरे धीरे नॉर्थ में जब से नॉर्थ में आई तब से मेल का रेशियो बढ़ गया. फीमेल्स ज्यादा फाइंड आउट होती थी नर्सिंग प्रोफेशन में. आप याद है बताया था उसमें पीस चल जाए पांच को सेवा के इंडिया है तो सुबह कहीं पर भी कल सुबह दस बजे वाली ट्रेन में यही स्थिति होगी. किसी का टिकट हुआ किसी का नहीं हुआ, बट चिंता नहीं करो अपने साथी बहुत मिलेंगे. जाना जरूर, टिकट नहीं हुआ तो टिकट की व्यवस्था भी अंतरी हो जाएगी. बहुत सारे लोग ट्रेन को मिलेंगे कल आपकी मदद करने वाले, तो टिकट नहीं मिला तो ये नहीं सोचना कि मुझे जाना नहीं है क्योंकि आपको कोई भी वीआईपी होने जा रहे हैं. टिकट नहीं तो एग्जाम नहीं. ट्रेन में बैठोगे हर कंपार्टमेंट में 25-30 नर्सिंग ऑफिसर्स मिलेगा, ज्यादा भी मिलेंगे उनके साथ एक एडजस्टमेंट. ठीक है. Then my dear Linda N. Johnson Richards is the first psychiatric nurse. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. First psychiatric nurse कौन है? और ठीक है, first anesthetic nurse कौन है? और first nurse कौन है? इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Linda N. Johnson Richards. She is the first psychiatric nurse. First psychiatric nurse. क्या आपको देखने लगा? आ गया जब. इस पर चलें. आप क्लासरूम को विजिट करने वाला था. अच्छा आइए इंडियन नर्सिंग काउंसिल होगा, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन होगा,
इन तीन चार ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक को क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कौन देखते हैं, TNI, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है कि एस्टैब्लिश कब हुआ, 1908 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है TNI का, डॉक्टर अनीता देवकर। ये रिसेंटली बनी, आप यदि TNI की वेबसाइट पे जाओगे अभी भी आपको रियल नाम नहीं मिलेगा, पहले वाला नाम डाला हुआ है, और एग्जाम में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पूरी वेबसाइट पे देख के चले जाते हैं क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा यूज करने वाले नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं। गूगल पे सारी चीजें एक्यूरेट नहीं होती, आपको आइडिया मिलता है। आज भी TNI की वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर डॉक्टर अनीता देवकर का नाम नहीं होगा। इंडिया और ये मेडिकल प्रोफेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो 128 कंट्री को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग एस्टैब्लिश और फाउंडेड हुआ 1899 में। हेडक्वार्टर जिनेवा, WHO का हेडक्वार्टर था, WHO का बस उसके पास याद रखिएगा, जिनेवा WHO का है और वही अपना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ICN। सेकेंड थिंग, प्रेसिडेंट का नाम है एनेट कैनेडी, राइट नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। एनेट कैनेडी ये अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, तो ये प्रेजेंट का पैरामीटर्स है ICN और TNI, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पास हुआ और 1949 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ।
डेट पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है, नाइट। इसके साथ साथ डॉक्टर आशा शर्मा शी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो कोर टीम है उसमें अभी एक पर्सन चेंज हुआ, कोर टीम में चेंजेस हुआ है, प्रेसिडेंट आज भी वही है दिलीप कुमार। देन वाइस प्रेसिडेंट आईएनसी डॉक्टर आशा शर्मा, ये नाम अभी चेंज हुआ है डॉक्टर सरबजीत कौर सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इससे पहले आपके पटना एनसी प्रिंसिपल थे, कुछ नाम पसंद KS Bhatia joined the secretary of INC, joined the secretary. I president ko sabhi jaante hain, Dilip Kumar president of Indian Nursing Council, T Dilip Kumar president of Indian Nursing Council, INC ka president hai T Dilip Kumar. To ye apne Indian Nursing Council jo hai INC act ka pass hua 1947, एस्टैब्लिश्ड ओवर 1949, चार मेंबर है, टी दिलीप कुमार प्रेसिडेंट है, डॉक्टर आशा शर्मा वाइस प्रेसिडेंट है, सरबजीत कौर ये आपकी सेक्रेटरी है, और सरबजीत कौर जो है ऑलमोस्ट बिलोंग करती है पंजाब से, और आपका कैबिनेट इस काम पर पंजाब कौन से स्टेट में, पंजाब या चंडीगढ़, पंजाब है, पंजाब में क्या होगा। देन कोर्सेज के बारे में पूछा जाता है, सब कम से कम आपको खुद का कोर्स पता होना चाहिए कब स्टार्ट हो। एएनएम 1942, सीएनएम 1943, सीएनएम इंपॉर्टेंट है, आरएके दिल्ली। देखिए ये आरएके जो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आरएके कॉलेज दिल्ली में प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट कोई भी न्यू लॉन्च होता है आईएनसी की तरफ से तो वहां इंप्लीमेंट किया जाता है, सारे कोर्सेज आपको आरएके में मिलेंगे। देन लेट्स एवरीबॉडी नो 1946 बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड, आरएके और सीएमसी बैंगलोर। 1959 एमएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड, अगेन आरएके। 1963, देखिए 64 में कौन आया था, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, और 63 में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्टेड द वेरियस इंस्टीट्यूट। 1986 में एमफिल स्टार्टेड द आरएके, 1992 पीएचडी नर्सिंग स्टार्टेड द आरएके। ये आपके नर्सिंग कोर्सेज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाएगा बीएससी नर्सिंग 1946 देश आजाद होने से ठीक एक साल पहले। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जीएनएम का पूछा जा सकता है 1943, बाकी एमएससी नर्सिंग 1959 से, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 1963, 1986 एग्जाम पे, और रिसेंटली 1992 पीएचडी नर्सिंग वर्ड स्टार्टिंग। ये सभी कोर्सेस जो है पर्टिकुलर ईयर में स्टार्ट किया गया, किसी एक कोर्स के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कोर्स कब स्टार्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट 1946 को याद रखना है बीएससी नर्सिंग, और 1943 में सीएनएम, 1959 में एमएससी, 1963 एक साल पहले आरएनसी से, आरएनसी कब आया था 1963 में याद रखना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वर्ड स्टार्ट कर देंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल। रिसेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, करंट ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन कौन है, यू नेवर फॉरगेट शिल्पा शेट्टी। इससे पहले अमिताभ बच्चन थे, अभी रिसेंटली शिल्पा शेट्टी है। आपको पूछा जा सकता हो जाए ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत, क्योंकि कल ही मोदी जी को इसके लिए प्राइज मिला है ना वर्ल्ड का।
तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया अभी कौन है? शिल्पा शेट्टी, इससे पहले अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन
सैंडी को माइकल फिर वो इमेज दिया होता है, हम कनेक्ट करने से बोला बना के पूछा कि क्या हो गया सैंडी के माइकल खुश है। हो सकता है आपको पूछ रहा है कि ब्रेकियल पल्स की साइट कौन सी है सैंडी के माइकल खुश है। आपको पूछा जा सकता है कि एंडी डिवाइड फोसा से ब्रेकियल पल्स को अपन लेते हैं और मेनली किस में रहते हैं तो मेजी का ब्लड प्रेशर और ये सीपीआर की साइड किस में इनफेंट अंडर पे कहा था जनरल में पता है कि बिफोर है ना अंडर पे कहा था जा कैलोरी एक्चुअली क्या होता है इस तरीके से आपका एल्बो टी के साथ है आपका एक आर्टरी ट्रबल करता है ये अपने कफ को इम्प्लांट करते हैं या इंक्रीज कफ को जब पुट करते हैं तो एंटी क्यूबाइटल फोसा से 2 इंच की हाइट पर पुट करते हैं किसमें इंच की क्वेश्चन एग्जाम में प्रेशर मेजर करते समय इंक्रीज कफ को एंटी क्यूबाइटल फोसा से कितना ऊपर बांधना चाहिए दिस इज योर एंटी क्यूबाइटल फोसा। दूसरा ये जॉइंट कौन सा है एल्बो नी बोन आपसे पूछेंगे व्हिच इज द फनी बोन इन योर बॉडी तो आंसर लिखना एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का दूसरा नाम क्या है फनी बोन दैट वी कैन से एल्बो जॉइंट। यहां पर की सीपीआर में पल्स मेजर करने का जो ड्यूरेशन है वो 5 टू 10 सेकंड है। कैरोटिड का भी कितना था 5 टू 10 सेकंड क्या है फिमोरल आर्टरी है फिमोरल पल्स फिमोरल पल्स ड्यूरेशन 5 to 10 seconds ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। ये कौन सा साइट है देखिए पेशेंट का जो है ट्रंक है और मिड से लेफ्ट की ओर है आपका हार्ट जो है हार्ट का मैक्सिमम पोर्शन किधर होगा लेफ्ट साइड। यदि हार्ट का पोर्शन राइट साइड होगा तो क्या बोलेंगे एक्सोकार्डिया क्या बोलते हैं एक्सोकार्डिया हार्ट टूवर्ड्स द राइट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड होगा उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं क्या बोलते हैं और नॉर्मली किधर होता है ये साइन किसकी है माइकल पल्स। एक क्वेश्चन बनता है कि इन्फेंट में पल्स कहां से मिलते हैं इन्फेंट की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है माइकल पल्स। अब एग्जाम में आपको पूछिए माइकल पल्स का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है अडल्ट में क्या होता है चिल्ड्रन में क्या होता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। इन्फेंट ये दो एज ग्रुप का लोकेशन है जैसे अपन पढ़ते हैं पॉलिसी केस में आपने देखते हैं स्टर्नम पढ़ते हैं स्टर्नम जो है उसके साथ ऑलमोस्ट क्लेविकल होता है और 7 रिब्स कनेक्टेड होता है 3 4 5 6 7 1 टू 7 रिब्स को क्या बोलते हैं अपन टू रिब्स लेफ्ट साइड होगा ये दो रिब्स के बीच स्पेस को कितना लेफ्ट की ओर पैल्पेट करेंगे 9 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वहां चिल्ड्रन की अपाइकल पल्स मिलेगी और मिड लाइन से लेफ्ट साइड में 9 सेंटीमीटर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाएंगे तो वहां पर अडल्ट का पल्स मिलेगा कौन सा पल्स एपाइकल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिगॉक्सिन एंड कितने टाइम पहले अपाइकल से कितने मिनट 1 मिनट और पल्स कौन सा है इज द मोस्ट एक्यूरेट पल्स अपाइकल इज अ साइट टू टेकिंग पल्स इन इन्फेंट अपाइकल। ये छोटे छोटे कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट। ये फ्लो रेट है जो अपन एल्गोरिथम से करते हैं 2 लीटर पर मिनट।
एक क्वेश्चन आपके हैंड वॉशिंग का आने लगा। शॉर्टली क्वेश्चन आता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कितने हैं, सर्जिकल के कितने हैं, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, हैंड रब हैंड वॉश का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक क्वेश्चन डेली एक्सपायर था, अगला बढ़े डेली एक्सपायर हैंड वॉशिंग आया था। हाँ, बिल्कुल सही पड़ेगा। देखिए हैंड वॉशिंग क्वेश्चन पूछे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। वहां टाइम भी लिखा होगा, ज्यादातर बच्चे टाइम को प्रायोरिटी देते हैं, टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। एग्जाम में पूछेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, ऑप्शन लिखा होगा टाइम, इवन एंटीसेप्टिक सब्सटेंस का नाम लिखा होगा और लिखा होगा फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल बैट सोल, बैट सोल का प्राइमरी कॉज प्रेशर होता है और उसका एक कॉज फ्रिक्शन भी होता है। फ्रिक्शन कैन कॉज बैट सोल, प्रेशर कैन कॉज बैट सोल, बट प्रेशर प्राइमरी कॉज है, उसके बाद फ्रिक्शन का नंबर आता है। पर हैंड वॉशिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है? फ्रिक्शन। इवन देयर आस्किंग, दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कि सोप वाटर हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन क्या है, सोप वाटर हैंड वॉशिंग 40 to 60 सेकेंड, और दूसरा जो आज के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था हैंड रब हैंड वॉशिंग 20 सेकेंड, हैंड रब हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन 20 सेकेंड और सोप वाटर हैंड वॉशिंग 40 to 60 सेकेंड। सोप वाटर दैट मीन्स 40 to 60 और हैंड रब हैंड वॉशिंग, देखिए हैंड रब हैंड वॉशिंग में आपने देखा होगा एक सैनिटाइजर होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट के बेड पे लिखा होगा सर बैठा होता सैनिटाइजर, आप जाते हो सैनिटाइजर से हैंड वॉश करते हो, पेशेंट को केयर करना टच करने से करें, वो कॉमनली अपन हैंड रब हैंड वॉशिंग कहलाता है। छोटे बच्चे एलकेजी एचकेजी पढ़ते हैं उनके स्कूल में भी सैनिटाइजर मंगाया जाता है, अब देखते हैं उसका ड्यूरेशन 20 सेकेंड। तो आपको दोनों में से पर्टिकुलर एक का पूछा जा सकता है, सोप वाटर का पूछा जाए 40 to 60 और सीधा हैंड रब हैंड वॉश पूछा जाए 20 सेकेंड। ड्यूरेशन और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फ्रिक्शन। अब आता दो तरह के हैंड वॉशिंग पड़ते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल के बारे में पूछा जा सकता है, सर्जिकल के बारे में पूछा जा सकता है। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन और मिनिमम ड्यूरेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग, समझ लीजिएगा मैं लिखा दूंगा आपको क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछा है। मेडिकल हैंड वॉशिंग कॉमनली अपन वाइटल साइन मॉनिटर करने में करते हैं, न्यू बॉर्न को टच करने से पहले करते हैं। ये दो पर्टिकुलेशन है, टाइम ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन मेडिकल हैंड वॉश का जो है 3 से 5 मिनट का होता है, एटलीस्ट 60 सेकेंड या 1 मिनट तक करना ही मिनिमम ड्यूरेशन। आप पढ़ते हो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी एडमिनिस्टर करने के कितने टाइम बाद ड्रग का इफेक्ट आता है, 60 सेकेंड। तो याद रखना एटलीस्ट जो है 1 मिनट या 60 सेकेंड द यूज लिक्विड सॉप 3 ml एंड वाटर, ये मेडिकल हैंड वॉशिंग का पैरामीटर है। अब क्वेश्चन आता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग का स्टेप्स कितने हो, देखिए मेडिकल के 7 होते हैं, सर्जिकल के 3 होते हैं। एक कौन सा ऐड हुआ वो भी बताऊंगा आपको, 7 स्टेप होते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग, आई वॉज पुटिंग द इमेज ऑफ 7 स्टेप्स। 5 मूवमेंट्स कॉमनली अपन यूज करते हैं, पहला है कब बिफोर टचिंग का पेशेंट मेडिकल को यूज करते हैं, आफ्टर टचिंग का पेशेंट मेडिकल को यूज करते हैं, बिफोर प्रोसीजर मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं, आफ्टर प्रोसीजर मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं और आफ्टर टचिंग का पेशेंट सराउंडिंग मेडिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल इससे ज्यादा क्रूशियल है। एक तो क्वेश्चन पूछिए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग, 3 to 5 मिनट। व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन, 60 सेकेंड या 1 मिनट। मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कितने होते हैं, 7। इवन आपसे सीधा पूछा जाए स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग 7, पर्टिकुलर दिया जाए सर्जिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप तो 1 लिखना, पर्टिकुलर पुट किया जाए तो 1 लिखना, अदरवाइज नॉर्मली 7 स्टेप्स होते हैं और 5 मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं, बिफोर आफ्टर प्रोसीजर, बिफोर आफ्टर टचिंग ऑफ द पेशेंट और इवन सराउंडिंग टचिंग ऑफ द पेशेंट के बाद। ये 5 जगह कॉमनली यूज करते हैं,
तो इसमें वाइटल साइन और दूसरा न्यू बॉर्न टेस्ट से पहले मस्ट बी नीडेड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. तो दैट इज बिलोंग फॉर द मेडिकल हैंड वॉशिंग. जिसके द्वारा आप मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं.
that we can say non-recruitment, what's that? More than 90%. More than 90% we should give by the non-recruitment master. Or you know, the commonly, that many patient might be required for intubation. Patient intubate the flow so that the maximum oxygen is your protein. Yeah, I'm
shift thickness of second degree, outer layer और अंदर लूप भी इन्वॉल्व होगा, स्पेशियल सुपरफिशियल में है। देखिए यहां पर भी अपन एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस में पांच लेयर होती है और डर्मिस में दो लेयर होती है। एपिडर्मिस में आप पूरा इन्वॉल्व है और डर्मिस की पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। डर्मिस के भी दो है, पहली का नाम कैपिलरी, दूसरा का नाम रेटिकुलर। एपिडर्मिस की दो है, एक का नाम है कैपिलरी, एक का नाम रेटिकुलर। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, सुपरफिशियल में कैपिलरी और डीप में डेंसर रेटिकुलर। कैपिलरी और रेटिकुलर दोनों किसके एग्जांपल है? डर्मिस। डर्मिस के पर्दे तो जैसे आप एपिडर्मिस में नहीं पढ़ते, स्टार्टम, कॉर्नम, यूसिलम, है ना, तो इसी तरीके से डर्मिस में भी दो लेयर है, एक है कैपिलरी और दूसरा है रेटिकुलर। दोनों इन्वॉल्व है। क्लिनिकल फीचर्स में सीवियर पेन होगा, ब्लिस्टर प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन आता है ब्लिस्टर कौन सी डिग्री ऑफ बर्थ में डिटेक्ट होता है? सेकंड। कौन सी डिग्री में? सेकंड डिग्री में। ब्लिस्टर विल बी आइडेंटिफाई द पेशेंट हैज सेकंड डिग्री बर्थ। क्लियर फ्लूड होगा और हीलिंग का टाइम लगेगा 10 से 21 दिन। फर्स्ट डिग्री का हीलिंग का ड्यूरेशन अलग है, सेकंड डिग्री का हीलिंग का ड्यूरेशन अलग है। Need for 10 to 21 days to healing second degree of burn. Second degree में दो layer involved है, first degree में epidermis involved है। First degree में erythema होता है, second degree में blister होता है। क्या होता है? Blister। और question बार बार पूछ रहा था ये in which degree of burn? That is the second degree of burn. ट्रेन की जरूरत है, गूगल पे सर्च कर करके सबने याद कर लिया।
more is to retain the strong structure like abdominal wall muscles. Mass. It is a different kind of retractor. This is the more is retractor. It is not which is in the purpose which we are. देखा था मुझे कोई बात नहीं, अगली बार आएगा तो कुछ करेंगे, वो भी आएगा। एक और क्वेश्चन आया था आपके, आपको नाम याद हो गया होगा, क्या नाम है? दीप वे थ्रोम्बोसिस मेनली डीप वे थ्रोम्बोसिस पंप क्या करता है? देखिए अपन डेविटी बनते हैं, डेविटी बनता है, डेविटी में कॉल होता है, डीप वेन्स के अंदर ब्लड का क्लॉट होता है। डीप में कौन आता है? इंगोरल पॉम्प्लेटियल डॉर्सल स्पेडिस पोस्टीरियर टीबियल, दीज आर द डीपेस्ट ब्लड वेसल्स। सुपरफिशियल कौन आता है? सिम्फनस वेन। कौन आएगा? सिम्फनस वेन। और उन ब्लड वेसल्स के अंदर यदि ब्लड का क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड कैन नॉट ट्रेवल, और वो क्लॉट वहां से ट्रेवल होकर लंग्स में पहुंचेगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करेगा। क्या करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करेगा। ये क्या करता है? बीपी कम की तरह इस तरह के पैड्स होते हैं, फुट करके प्रेशर डिलीवर किया जाता है। प्रेशर कैन कॉज मोर देन क्लॉट, उस क्लॉट को फर्दर मूव करता रुकने नहीं देता है, और इसीलिए इस कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए अपन बीपी का यूज करते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप, यू नो ओपन साइन, ओपन साइन पड़ा होगा, ओपन साइन इट विल बी ब्लॉक टू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एक और ये क्वेश्चन था, देखिए दो तरह के प्रेस पड़ते हैं, एक ओपन और एक पड़ता है क्लोज। ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है? ओपन का नाम है पैनरोज वेनस। ओपन वेनस सिस्टम का एग्जांपल है पैनरोज वेनस। एग्जांपल क्वेश्चन आता है ओपन वेनस, दैट्स अ पैनरोज, पैनरोज वेनस। This is example of open drainage system. ये आपका closed drainage system है, जिसका नाम है suction for drain। surgery के बाद use करते हैं post operative अपन। closed suction medical device use the post operative drain for collecting fluid from the surgical site. So very easy. ये तो device दिख रहा है, इसको अपन port बोलते हैं। So pressure put करके जैसे जैसे pressure relief होगा और substance को suck करता है, इसका कॉमनली यूज करते हैं मास्टेक्टॉमी के बाद इसका कॉमनली यूज करते हैं। मास्टेक्टॉमी का मतलब रिमूवल ऑफ फ्रेस्ट, और ड्रेनेज सिस्टम का नाम है जैक्सन क्रॉस, जेपी आर बी के जैक्सन क्रॉस। काफी आपके डेली एक्सपायर क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं कवर करती हूँ जो बचे रहते हो गया जल्दी में डिस्कस। जैक्सन कॉर्ड या जेपी वेन, और याद रखें ये क्लोज सक्शन है। ओपन का एग्जाम्पल क्या होता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास इसका एग्जाम्पल है ओपन ड्रेनेज सिस्टम। आपको वही डिसाइड करना होगा कि आप एलिजिबल एक्ट नहीं है।
देखिए अगर मैं से कुछ पढ़ना देती हूँ उसे अपने एक खाना होता है पोलिंग पर पायलट मैश का एक सब्सटेंस है जो क्या करता है जहां पर मैश को पुट करना होता है वहां इंफ्लेमेशन पहुंच करता है और इंफ्लेमेशन जब पहुंच करेगा तो वहां पर टिश्यूज का ग्रोथ होगा और वो प्रमोट करेगा उस वीकेस्ट साइड को स्ट्रॉन्गर बनाने और इस तरह की डिवाइस का फोटो दिया जाता है। आपने देखा बैक्टीग्रास जो है ठीक उसी तरीके का होता है बैक्टीग्रास सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है ये पर बैक्टीग्रास अपन कॉमनली होम टू जैसे ही पहले यूज करते हैं इस तरीके से फेस करके और एब्डोमिनल वॉल को वापस कवर कर देते हैं और कॉमनली यूज करते हैं। देखिए अर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन आउटसाइड अंदर का ऑर्गन बाहर को प्रोट्रूज होता है और प्रोट्रूज होने का वीकनेस होता है एब्डोमिनल मसल और वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल का कॉज होता है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल उसके बहुत सारे फैक्टर तो वीकनेस को प्रिवेंट करता है ऑर्गन को बाहर की ओर आने से रोकता है दैट मींस स्मैश। देखिए यहाँ पे एक डिवाइस है ये है पैपिनो प्लस कस्कस फोर्सेप्स है यहाँ से अपन सैंपल के लिए पुट करते हैं सैंपल को लेते हैं और कल्चर बोतल को पुट करते हैं। एग्जाम में उस वक्त इसके इमेज का फाइंड आउट करना पूछा था अपन देखते हैं पैपस्मियर क्या है पैपस्मियर का दूसरा नाम है पैपिनो प्लस। देखिए पैपस्मियर वी कैन से द डेफिनेट डायग्नोसिस यूरिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैन फॉर द सर्वाइकल कैंसर। अब इसमें क्वेश्चन फर्दर क्या पूछा जा सकता है आपसे एक पूछा जा सकता है कि पैपस्मियर टेस्ट यूजुअली कब परफॉर्म करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट दिस 24 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। ये पूछा जा सकता है कि पैपस्मियर 24 वीक देखिए डियर 24 वीक का मतलब कौन सा ट्राइमेस्टर है कौन सा ट्राइमेस्टर। देखिए तीन ट्राइमेस्टर पड़ते हैं पहला ट्राइमेस्टर 0 से 12 फिर 13 टू 28 फिर 29 टू 40 ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर को प्रेफर करते हैं यू नो एक टेस्ट करते हैं जीपीटी आप सुना होगा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यदि मदर जो है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस को कंफर्म करना है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। जीटीटी भी 24 एंड 28 वीक में कंडक्ट करते हैं जीटीटी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंडक्ट करते हैं जीटीटी को भी 24 और 28 वीक में कंडक्ट किया जाता है क्योंकि सिस्टोट्रोफोब्लास्ट जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन का प्रोटेक्शन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करता है सेकेंड और थर्ड। तो याद रखना जीटीटी जेस्टेशनल डायबिटीज में भी 24 वीक में करते हैं और दूसरा 28 वीक में कर सकते हैं काफी लोग पुलिस और काफी स्मियर की प्रेगनेंसी में कब रहेंगे 24 वीक का मतलब कौन सा ट्राइमेस्टर। दूसरा रिकमेंडेड एज क्या होता है 21 साल से 65 साल ये टेस्ट करने की एज है मिनिमम 21 साल से स्टार्ट कर सकते हो 65 साल तक आप इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो। टेस्ट को एवरी 3 to 5 ईयर कंडक्ट करना होता है टू फाइंड आउट रिस्क फॉर सस्पेक्टेड सर्वाइकल कैंसर 3 to 5 ईयर से आप उसको टेस्ट को बार बार रिपीट करके कंडक्ट करना होता है ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये तीन चीजें पता आपसे पूछी जा सकती है कि रिकमेंडेड एज का
टेस्ट कब कब कितने टाइम से करना होता है, 3 to 5 years। That is a way how to begin. So that is a
टेम्पर्ड, ये कॉमनली अपन माउथ में अंडर द टंग के थ्रू करते हैं, और इसका ड्यूरेशन यदि पूछा जाए 1 मिनट, यदि पूछा जाए कि टेम्पर डॉट को कितना मिनट तक पुट करना होता है, 1 मिनट, नेवर पुट 3 to 5 मिनट, 1 मिनट। दूसरे को एक्सेप्शन, 1 मिनट के बाद जब स्टेप को आप निकालोगे 10 to 15 सेकंड वेट करना है, फिर रीडिंग को देखना। जैसे आप साइड से निकालोगे, साइड से रिमूव करने के बाद इशू वेट फॉर 10 to 15 सेकंड, 10 to 15 सेकंड आपको वेट करना है, वेट करने के बाद वैल्यू को देखना, क्योंकि ये वैल्यू वो रिप्रेजेंट होता है द नीड फॉर 10 to 15 सेकंड, 15 सेकंड तक वेट करना है, फिर इस डिवाइस को आपको देखना होता है, देन यू फाइंड आउट इट। ये वो मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस आपको ये पता है, क्योंकि आजकल नर्सेस का वर्क जो है कम किया जाता है, पहले अपने को बहुत सारे काम थर्मामीटर को लेना, क्लीन करना, कुक करना, फिर क्लीन करना, ये डिस्पोजेबल होता है। हो सकता है वीडियो देखो के पूछ ले कि क्या है, हो सकता एम्स है, सीधा दस भी बना रेक्टम से जो रीडिंग आएगी
सपोज 99 आया तो माइनस 1 करेंगे कितना लिखना होगा 98। और भाई यदि अपन एक्सिला की बात करें, एक्सिला की बात करें, यदि रीडिंग आपका 99 आया तो प्लस 1 करके कितना लिखना है 100। एक और नया डिवाइस है टिम्पेनिक थर्मामीटर, टिम्पेनिक थर्मामीटर, हो सकता अगला नंबर इसका हो। आई क्लास लेयर पहले पूछते थे, कमिंग जनरेशन में मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। ये जो डिवाइस है टिम्पेनिक थर्मामीटर, इसको हम ऑर्गन और टिम्पेनिक थर्मामीटर कहते हैं। ईयर से यू नो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको आप ईयर ड्रम बोलते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखा होता है, ईयर में अपन पढ़ते हैं ऑकुस्टिक एनर्जी आती है, ऑकुस्टिक को किसने कंट्रोल करता है मैकेनिकल, किसने कंट्रोल करता है फिर आइटोनिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ईयर पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर क्या होगा, देयर शुड बी मेजर द थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द ईयर ड्रम। सबसे मजेदार बात है इसको 1-3 सेकेंड तक ही लगाया जाता, बाकी सारे मिनट्स में पढ़ते हैं। डिवाइस में पुट करेंगे तो बीप सुनाई देगा, जैसे बीप सुनाई देगा उसको रिमूव कर देना, और दैट वी कैन से ऑरल और टिम्पेनिक थर्मामीटर टू टेकिंग टेम्परेचर। दैट टू 3 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है। सर्वाइकल कैंसर नाम से है, कार्ड से कार्ड का काम करती है।
जैसे आपके गाड़ी का काम होता है कि आपका आईडी कार्ड चेक करना, तो कभी कभी आप थोड़ा सा स्माइल देंगे, बाद में आपको माफ नहीं कर, ऐसा होता है। गार्ड जैसे जैसे फैमिली होता है तो अपना आना आसान होता है। कुछ बच्चों के 30-5 हजार रुपए बच्चा 3 महीने सारा कैसे गार्ड हमेशा कर लेता है, तो कहीं भी यहाँ पर करप्शन का वो इंडिकेट आ रहा है। या तो स्पेशली जो बच्चे प्योर स्कूल नियर टू गार्ड हो जाते हैं उनका आईडी कार्ड चेक नहीं होता, या हकीकत और एक नया बंदोबस्त किया मैंने परसों जब आप एग्जाम देके आ जाए आई विल प्रिपेयर यू, ठीक है। देखिए इस वैक्सीन के कुछ स्पेसिफिकेशन है, इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द गर्ल्स टू प्रोटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। ये गार्डासिल सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट करने के यूज करते हैं। एग्जाम में हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए कि वैक्सीन कब दिया जाता है, कितने कितने टाइम से दिया जाता है, एक बार देने के बाद ये वैक्सीन कितने टाइम तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। दिल्ली एम्स से सिर्फ इस वैक्सीन का नाम पूछा था, एडमिनिस्टर इन द 3 इंजेक्शन ओवर 6 मंथ। इसका जो एडमिनिस्टर करने का तरीका है, पहला डोज देते हैं गर्ल्स को 11 से 12 साल की उम्र, दूसरा डोज देते हैं जस्ट आफ्टर फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद, और तीसरा डोज है 6 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज। ये इसको एडमिनिस्टर करने का तरीका है गार्डासिल वैक्सीन को, या ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। फर्स्ट डोज देते हैं एट द एज ऑफ 11-12, यू नो एज ऑफ मीनार की, एज ऑफ मीनार की हम 12 को कर दी नहीं है, पहला डोज, उसके जस्ट 2 मंथ के बाद दूसरा डोज, उसके जस्ट 6 मंथ के बाद तीसरा डोज। 3 डोज एडमिनिस्टर करते हैं और इसके साइड इफेक्ट में पेन, स्वेलिंग, इचिंग और रेडनेस होता है। और याद रखना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देते ये वैक्सीन, जो है प्रेग्नेंट वुमन को अवॉइड करते हैं द वैक्सीन बीच से काटा सी। दिल्ली एम्स ने सिर्फ इस वैक्सीन का नाम पूछा था और पर्पज पूछा था, ये भी समझा दिया आपको डोज का कितना देते हैं, तो बस सेकेंड और 3 डोज में देते हैं। पहला डोज जो है लगभग 11 से 12 साल के, कौन सी ग्लैंड है?
यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि शेप ऑफ रेक्टेंगल क्या है, गोली का शेप कैसा होता है, गोली का शेप होता है आलमन शेप, गोली भी आलमन शेप होता है, रेक्टेंगल ग्लैंड भी आलमन शेप होता है, दोनों का शेप आलमन शेप होता है। एग्जाम में ओवरी का शेप भी पूछा जाता है, शेप ऑफ ओवरी, ओवरी का शेप कैसा होगा, आलमन शेप, ओवरी ऑल्सो आलमन शेप, द प्रोड्यूस टीयर। एग्जाम में पूछते हैं टीयर में कौन सा इंक्लूड होता है, इंस्पायर है, आई सी ए, काम का लुब्रिकेशन ऑफ द आई। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्रियो एपिडाइटिस, इसका मीनिंग पूछा हूं, सिंपली इंफॉर्मेशन ऑफ द लेक्राइबल आता है। और इसका फाउंडर और पादर ऑफ माइक्रोस्कोप
इसमें लिविंग सेल का भी डिस्कवरी किया। एक और क्वेश्चन आता है हैंसन डिजीज कर या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसका फाइंड आउट किया था हैंसन और दैट कैन वर लेप्रोसी और इसका फाउंडर भी हैंसन। एग्जाम में हैंसन डिजीज करके पूछा आता है तो हैंसन वो साइंटिस्ट है जिसने लेप्रेसी के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पता लगाया। तो दैट वी कैन से लेप्रा बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और वी कैन से हैंसन। एग्जाम में दो डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस इंफेक्शन में से बेस्ट कौन सा है। स्टेबलाइजेशन कौन सा है? स्टेबलाइजेशन लिटिल बिट डिफरेंस दोनों के बीच में। डिस इंफेक्शन की अपन बात करें तो ऑलमोस्ट किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पोर। देन स्टेबलाइजेशन में इंक्लूडिंग स्पोर। ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों पुट किया जाए आपसे पूछेंगे कि हु इज द दोनों के अंदर बेस्ट मेथड कौन होगा? डिसइंफेक्शन में स्पोर बच जाता है और स्टेबलाइजेशन में स्पोर किल हो जाता है। दैट इज लिटिल बिट वेरिएशन बिटवीन डिसइंफेक्शन और स्टेबलाइजेशन। यहां पर अपन फिजिकल और केमिकल दो तरह के मेथड पढ़ते हैं। फिजिकल केमिकल में कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। जो रिमेनिंग माइनर माइनर मेथड से जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं शॉर्टली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेचुरल मेथड के अंदर आपका आएगा सनलाइट,
was disinfectious sterilization of motion at 10%. Sterilization. That becomes the most reliable method of sterilization. Okay. Sterilization में तो heat का dry heat of motion less effective than the motion. वैसे dry heat जो है वो motion से कम होता है. Disinfection is less effective than the sterilization. इसको दो example mainly अपन पढ़ा सकते हैं than the sterilization. इसको दो example mainly अपन पढ़ेंगे red heat of flaming. Red heat पर कुछ example दिया जैसे यहाँ पर आपको तो आपको दिखा होगा बंसन फ्लैम. ये जो है ये बंसन फ्लैम है. ये तो फायर निकल रहा है. दिखा होगा बंसन फ्लैम. ये जो है ये बंसन फ्लैम है. ये तो फायर निकल रहा है. इसको हेल्प करना है. तब तक हेल्प करना जब तक वो रेड ना हो. दैट इज एग्जांपल ऑफ द रेड हीट. रेड हीट ये मेथड है कहां का यूज करते हैं. तो दैट इज द स्लाइड. तो हमें क्या रेड हीट में रेड होने तक वेट करना और फ्लेमिंग को सिर्फ डिवाइस के अंदर से निकालना होगा. जैसे अ फ्लेमिंग आई वाज पुटिंग हियर यूज द ग्लास स्लाइस स्कैल्पल और माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स पासिंग थ्रू द बंसन फ्लेम विदाउट अलाउिंग पिकअप टू रेड. ये दोनों में डिफरेंस है. रेड हीट में रेड होने तक वेट करना है. फ्लेमिंग में सिर्फ हीट के अंदर से निकालना होता है. द डिवाइस गोइंग टू बी डिसइंफेक्टेड. तो ये दोनों ड्राई इनके मंत्र है. इसके अलावा इंसिनरेशन और दूसरा कौन सा था और एयर. तो और मंत्र है इंसिनरेशन अपन वेस्ट को एश में कन्वर्ट करने में यूज करते हैं हॉस्पिटल. इसमें ड्रेसिंग मटेरियल होता है. क्रैश एनिमल क्राइसिस होता है. बट यहां पर अपन दो मेथड देख रहे हैं. दैट से रेड फॉर मनी. ग्लास सिरिंज को
क्लास क्रिएट कर रही है अपन वो लीक मेथड यूज करते हैं। याद रखिएगा कि अभी तो आप रीयूज करने की उसको डिसइंफेक्टेट करना होता था 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना 10 से 30 मिनट और कैंडलाइजेशन का यूज है एट सीरम शुगर कंटेनिंग मीडिया यू नो कल्चर मीडिया को डिसइंफेक्टेट करने में यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट्स ये दोनों एट 100 डिग्री टेम्परेचर दोनों का याद हो जाएगा ड्यूरेशन याद रखना बाकी ऑटो के ऑलरेडी वी आर डिस्कस आपसे पूछ लिया सेवलॉन डिटॉल लाइसॉल इनर्सॉल इसी के बारे में पूछा जा सकता है। तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिसइंफेक्टेंट जितने भी केमिकल सब्सटेंस होता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्री कैटेगरीज हाई लेवल इंटरमीडिएट लेवल और लो लेवल। वी आर गोइंग टू सी हाई लेवल आप साइडेक्स के रूप में पढ़ते हो हाइड्रोजन परोक्साइड और क्लोरीन जो वाटर को प्यूरिफाइड करने में मदद करता है। वाटर को प्यूरिफाइड करने का अपन किससे यूज करते हैं क्लोरीन। आगे से रोज बताऊंगा मैं आपको। इन तीनों को बोलते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। देखिए एंडोस्कोप सिस्टोस्कोप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक कंपोनेंट्स ये सभी डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हाई लेवल सॉल्यूशन की जरूरत होती है जिसमें न्यूट्रिएंट आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन अलग अलग इंटरमीडिएट लेवल में इट मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल स्मेल। लैरिंजोस्कोप है फाइब्रोटिक एंडोस्कोप है जिसमें देखिए अल्कोहल मतलब आपका स्पिरिट इंटरमीडिएट में आएगा। तीनों ही कंपोनेंट्स और टेंटलाइजेशन अभी आपने पढ़ा टेंटलाइजेशन 100 डिग्री ये इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रेजेंट करते सब्सटेंस में आता है। तो अल्कोहल क्लोरीन का H2O2 का और ETLDI का ये तीनों हाई लेवल मार्केट इंटरमीडिएट लो लेवल में डिटोल सेवलॉन इरेसोल सब आ जाएगा जो अपन हॉस्पिटल में कॉमनली यूज करते हैं पर इंटरमीडिएट में अल्कोहल स्प्रिट के रूप में यूज करते हैं जैसे इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसेंट है।
That is a low UV. Low UV के अंदर आपका स्टेथोस्कोप किसी भी इलेक्ट्रोड को रिसेप्टेट करने में यूज करते हैं. डिटोल और सेवरो, ये दो तो कैसे था? डिटोल और सेवरो, they both will be used as a low UV. This is the इसको लिखा हुआ है. तो स्टेथोस्कोप और इसी भी इलेक्ट्रोड को क्लीन करने में यूज करते हैं हम. That will become into the low UV of the center. डिटोल और सेवरो. स्प्रिट किसमें आएगा? इंटरमीडिएट H2O2 क्लोरीन U3LDI आइडियल. दूसरा जैसे डिटोल और सेवरोन का रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में, थर्मामीटर को जैसे कंप्लीट करें. डिटोल सेवरोन लाइसोल यूसोल ये जितने भी हैं ये लो लेवल में, और एग्जाम में आपको लो लेवल का पर्टिकुलर रेशियो पूछा जाता है, ड्यूरेशन पूछा जाता है कि थर्मामीटर को डिटोल में कितना रेशियो सिर्फ याद रखना आपको यहाँ पर सेवलॉन 1:20, बाकी तीनों का 1:20. टाइम ड्यूरेशन अलग है. सेवलॉन 5 मिनट तक आपको थर्मामीटर रखना होगा, डिटोल में 5 मिनट तक रखना होगा, पैरोल में 5 मिनट तक रखना होगा, बट लाइसोल में 3 मिनट तक सफिशिएंट. और रेशियो का मतलब होता है 1 ml सेवलॉन 20 ml वाटर. आप नहीं देखा चक्रीय प्रोसेस, आप सेवलॉन में फुट करके चक्रीय प्रोसेस टू कैरी द जब अपन थर्मामीटर को थर्मामीटर को रिमूव होने से लेके रीयूज तक 30 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है. रिमूव किया, क्लीन किया, सोप वाटर में पुट किया, प्लेन वाटर में पुट किया, डिसइंफेक्टेंट पुट किया, फिर से यूज करना है, तो 30 मिनट का गैप होता है. हम तो एक थर्मामीटर को 100 पेशेंट के यूज करते हैं, एक वाटर में एक थर्मामीटर के साथ. एक पेशेंट का वाइटल साइन आपने लिया, दूसरे पेशेंट का लेने से पहले उस थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेट करने के 30 मिनट का टाइम चाहिए, देन दूसरे पेशेंट का प्रयोग कर सकते हैं. स्प्रिट आज के हॉस्पिटल में स्प्रिट अधिक बहुत है ना, मौका मिला है तो पॉइंट्स की तरह यूज कर लेते हैं, और क्या मिला तो पानी मिला देते. स्प्रिट में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है, इस नाम से आता है उसमें 70% एल्कोहल. ये अपन जब लोग पढ़ते हैं ईयर के अंदर यदि इंसेक्ट बाइट हो जाता है, इंसेक्ट बाइट को रिमूव करने से पहले किल करना जरूरी हो, और किल करने के लिए एल्कोहल मेडिकल शॉप पर कौन से एल्कोहल मेडिकल की दुकान में जाकर एल्कोहल लाना, उसको यूज करना. तो पुटिंग टू किलिंग का मतलब है इंसेक्ट बाइट. दूसरा करते हैं, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सपोजर जो एटलीस्ट कितना मिनट तक होना चाहिए, 5 मिनट. दैट मींस माय डियर, जब हम स्किन को डिसइंफेक्ट करते हैं, स्किन को जब अपन डिसइंफेक्ट करते हैं, तो स्प्रे को किस तरीके से लगाते हैं, सेंटर टू पैनिकल. स्प्रे को जब अपन पुट करते हैं सेंटर में, अपने रोटेट किस तरह करेंगे, पेरिफेरी या इनर टू आउटर, इनर टू, और यहां लगाने के बाद आपको वेट करना है 5 मिनट तक, जब तक वो पूरा ड्राई ना हो जाए. जैसे आप कैनुला लगाते हो, अपन क्या करते हैं, जब कैनुला लगाते हो स्प्रे लगाने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से सेंटर में रखना है, इनर टू आउटर जाना है,
देखिए फ्रेश शूट को क्लीन करना हो इनर टू आउट कर दिया जाता है, फ्रेश शूट को क्लीन करना हो इनर टू आउट कर दिया। किसान में पूछा जाता है कि यदि फ्रेश शून्य है, फ्रेश शून्य है, फ्रेश शून्य को इनर टू आउट कर, ब्रस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में इनर टू, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जब ब्रस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं ब्रस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में भी इनर टू आउटर कैलकुलेट किया जाता है। ब्रस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो इनर टू आउट किधर जाना है, आउटर, फ्रेश उनको भी इनर टू आउटर, स्प्रिट को लगाते तो भी इनर टू, और कंटामिनेटेड रोग को आउटर टू लेकर, यदि एग्जाम आए कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड को बेस्ट एग्जाम्पल है बेड शोर, एग्जाम में सीधा आएगा कि बेड शोर, बेड शोर को अपन किधर से किधर कहेंगे आउटर टू इनर, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बेड शोर के रुंड को क्लीन कैसे किया जाता है, बाहर से किधर आना है अंदर, आउटर टू इनर, बेड शोर वाले को आउटर टू इनर करना है, बाकी तीनों में इनर टू आउटर करना, सेंटर टू पेरिफेरी, स्प्लिट को सेंटर टू पेरिफेरी, ब्रश सेल्फ एग्जामिनेशन को सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रेश शून्य को सेंटर टू पेरिफेरी, बैड शोर को पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी टू सेंटर, आउटर टू इनर, बैड शोर में जब आप क्लीन करोगे तो आपको बाहर से अंदर की ओर आना है, लाइक दैट, बाहर से अंदर की ओर आना होता है, तो क्लीन द कंटामिनेटेड रूट, और बैड शोर को अपन कंटामिनेटेड रूट कहते हैं, तीनों में किधर करेंगे अपन सेंटर टू, और बैड शोर को किधर करेंगे बाहर से अंदर की ओर, पेरिफेरी टू सेंटर। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, अटेंडेंट ट्रेन हो जाता है, ग्रिप को कनेक्ट करता है।
करना, ब्रेड को निकालना, मैद पानी का यूज करना, कोलेस्ट्रॉल की केयर करना. नर्स इज ऑनली द सीक्रेट ऑफ द नर्सिंग स्टेशन एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द ट्रेनर. ऐसा करेगा चक्री को घुमा दीजिएगा. गोइंग टू बी एक्सपर्ट. चक्री को घुमाने से कंट्रोल होगा आपका विदाउट ऑफ द ड्रिप ब्रेक्स. दो चीजें क्लोरीन और आयोडीन दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. अभी मैंने बताया क्लोरीन कौन सा सब्सटेंस है, हाई लेवल, इंटरमीडिएट, लो लेवल, हाई लेवल. देखिए यहां क्लोरीन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. एक तो क्लोरीन का पर्पस क्या है, वाटर डिसइंफेक्टेट करना. दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेट करने में कितना क्लोरीन पुट किया जाता है. दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम क्वेश्चन. 4 mg टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर. एक लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेट करना है तो 4 mg क्लोरीन पुट करना है. That is the amount crystallized disinfected water. Chlorine compound की बात करें, bleaching powder form में आता है. Sodium hypochlorite, देखिए ये chlorine का example है. Sodium hypochlorite everybody know, HIV positive patient के क्यों किससे wash करते हैं? Very very important. इस sodium hypochlorite का use क्या होता है? To wash your कई बार पूछा हुआ है कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को डिसइंफेक्टेट करने की कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं. सोडियम. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पर सोडियम हाइपोक्लोराइट्स. इट विल बी यूज्ड टू वॉश द प्योर पेशेंट सफरिंग द एचआईवी पॉजिटिव. सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में बार बार पूछते हैं. कॉन्टेक्ट लेंसेज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल
ग्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेस का यूज करते हैं, उसको H2O2 से डिसइंफेक्ट करते हैं, एंटीसेप्टिक होने जो है उसको H2O2 यूज करते हैं, ऑरल केयर में H2O2 यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड स्टेन को ब्रॉथ से रिमूव करने में कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं। आप लोग वर्क करते हो, आप ब्लड ब्लड का उसको क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं H2O2। तो दिस इज द पर्टिकुलर यूजेस, ईयर इरिगेशन, रिमूव ब्लड स्टेन फ्रॉम द फ्लोर, ऑरल केयर इन रिस्क ऑफ इंफेक्शन, उस समय एंटीसेप्टिक एज ए वुंड केयर और डिसइंफेक्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेस, दीज आर द यूजेस ऑफ H2O। एक आपने सुना है स्टूल ऑकल्ट ब्लड, स्टूल ऑकल्ट, स्टूल ऑकल्ट ब्लड जो है ये अपन स्टूल के साथ ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा अपन व्हाइट पेपर यूज करते हैं, व्हाइट पेपर के साथ किसको यूज करते हैं, H2O2। ये क्या यूज है, स्टूल ऑपन ब्लड जब टेस्ट करते हैं तो स्टूल ऑपन ब्लड में क्या होता है, एक व्हाइट पेपर होता है उसके ऊपर स्टूल को पुट करते हैं, स्टूल के ऊपर H2O2 को पुट करते हैं। यदि ब्लू कलर मिलता है दैट विल बी इंडिकेटिंग द स्टूल हैव ब्लड। सिंपली ये पेपर लिया, इस पेपर को अपन बोलते हैं व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर पे आपने क्या पुट किया, स्टूल, और स्टूल पे आपने क्या पुट किया, H2O2, और यदि आपको ब्लू कलर मिला दैट मींस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ब्लड, दैट मींस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ब्लड। आपने व्हाइट पेपर लिया, उसको स्टूल को डाला, स्टूल को H2O2 डाला, और डालने के कुछ सेकंड के बाद में आपने देखा वहां पर ब्लू कलर डिटेक्ट हुआ व्हाइट पेपर का, वो इंडिकेट क्या करता है आपके स्टूल में क्या परसेंट है, ब्लड यू नो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में ये टेस्ट किया जाता है टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ ब्लड विद द स्टूल, पेप्टिक अल्सर में अपन स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। केबल ऑफ पर काफी क्वेश्चन आते हैं, केबल ऑफ पर पोटेशियम परफेक्ट है। देखिए आप लोगों ने अभी आपको मैंने बताया कि अपने H2O2 को ऑरल केयर में यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, यदि माउथ में इंफेक्शन प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, इंफेक्शन। वैसे केमन ऑफ ऑल माउथ केयर में भी यूज करते हैं, जैसे माउथ केयर में इसका रेशियो होता है 1:5000, यदि रेशियो माउथ केयर करता है तो माउथ केयर में अपन केयर का कौन को यूज करते हैं, पोटेशियम परफॉर्मेंट, तो रेशियो होगा 1:5000। यदि ग्रेडर इरिगेशन में यूज करें तो रेशियो का 1:10,000। यदि कॉलम इरिगेशन में यूज करें तो रेशियो का 1:5000। यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एक बार में कॉलम इरिगेशन में 500 से 1000 एमएल यूज करते हैं, टेम्परेचर भी आपको पता है 100 डिग्री पर ही होता है, इंसर्ट करते हैं स्टोमा के अंदर 7-8। ये डीएमक्यू बनारस का क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में स्टोमा के अंदर कॉलन इरिगेशन करते समय ट्यूब को कितना इंसर्ट किया जाता है, 7-8 सेंटीमीटर। बारिश हो रही बात है ना, वेरी लकी, जरूर कुछ अच्छा होने वाला आने वाले एग्जाम में। Thank you.
फॉर्मेल्डिहाइड गैस, एक फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर, अपने फॉर्मेल्डिहाइड पड़ा, देन फॉर्मेल्डिहाइड पड़ा, अब देखें फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो फ्यूमिगेशन में यूज करते, इसका रेशियो पूछा जाएगा, एक टेस्ट पड़ेगा इसका रिपीट टेस्ट, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, दैट मे बी यूज फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर गॉड लेबोरेटरीज, वॉर्ड लेबोरेटरीज और ऑपरेशन थिएटर वो एरिया जो था जहां पर माइक्रोऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो यहां पर अपन फ्यूमिगेशन करते हैं, फ्यूमिगेशन का पर्पज होगा वहां पर प्रेजेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर, टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यू नो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का दूसरा नाम है नोजोकोनियल इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन फ्यूमिगेशन करते हैं, जिसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, द मेथड ऑफ स्टाइलाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन रूम यूजिंग ए गैस दैट डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, तो क्या भी डिसइंफेक्शन फ्यूमिगेशन, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, दैट इज अ फ्यूमिंग, अब फ्यूमिगेशन का तरीका क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा कैसे फ्यूमिगेट करते हैं अपन, कितना अमाउंट, कितना एरिया कैसे लिया जाता है, यदि फ्यूमिगेशन करते समय फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है उसका लेवल ज्यादा हो गया तो उसके एंटीगार्ड के रूप में अमोनिया को यूज कर लेते, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, सबसे पहले आपने क्या लिया, इलेक्ट्रिकल बॉयलर, बॉयलर के अंदर आपको क्या करना है, तो सब्सटेंस को पुट करना है, ईच 1000 क्यूबिक फीट एरिया की बात करें, 1000 क्यूबिक फीट में 500 एमएल लेना फॉर्मेल्डिहाइड और 1000 एमएल लेना डिस्टिल वाटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें डालना, इलेक्ट्रिकल बॉयलर, बॉयलर लिया, बॉयलर के अंदर दो चीजें पुट किया, यदि आपका एरिया 1000 क्यूबिक फीट है तो 1000 एमएल आपने वाटर लिया और 500 एमएल क्या लिया फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों को पुट किया, पुट करने के बाद में बॉयलर का जो है स्विच ऑन, माय डियर याद रखना बॉयलर का स्विच जो है वो बोटी की या तो बाहर होना चाहिए, आईसीयू के बाहर अपन स्विच ऑन ऑन करने अंदर नहीं जा सकते, पता चला लॉट भी नहीं आया, अगर फ्यूमिगेशन करें स्विच आउटसाइड होगा जाकर, तो आपको स्विच ऑन करना है और लीव द रूम सील द डोर, कॉटन से डोर को पूरा सील कर देते हैं और रूम से आपको बाहर रहना है, ये प्रोसेस कितना मिनट चला, 45 मिनट्स के बाद स्विच को क्या कर देना, ऑफ द बॉयलर विदाउट एंटरिंग टू द रूम, ऑफ करने के अंदर जाना, ठीक है, आपने क्या किया है बॉयलर लिया, बॉयलर को पुट किया, आगे डिवाइस दिखाऊं बॉयलर कैसा दिखता है, बॉयलर को पुट किया, उसमें दो चीजें मिलाया, एक तो था आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड उसके साथ वाटर, 1000 ml यदि आपने वाटर लिया तो 500 ml क्या डाल दिया फॉर्मेल्डिहाइड, और पुट करके स्विच ऑन करके 45 मिनट के बाद स्विच ऑफ किया, और ऑफ करने के बाद उस रूम को अगले 12 से 24 घंटे तक बंद रख, नेक्स्ट 12 to 24 hours तक उस रूम को क्लोज ही रखना है, 24 hours के बाद उस रूम को बंद करना है, तो लगभग 1 day, अब क्या होगा, ये बॉयलर देखिए आपको डिवाइस एग्जाम में आ सकती है, इस तरह के बॉयलर होता है, ये पंप होता है, ये मीटर होता है, ये जो एरिया दिख रहा है ये वेपर फॉर्म में स्प्रेड करेगा, वेपर फॉर्म में स्प्रेड करेगा इनटू द ऑपरेशन थिएटर इनटू द रूम, उसके बाद आपको क्या करना होगा, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब आपने फ्यूमिगेशन किया, फ्यूमिगेशन करने में दो चीजें यूज किया, फॉर्मेल्डिहाइड सब्सटेंस के साथ वाटर को यूज किया, 45 मिनट तक बॉयलर को चलाते रहे, 45 मिनट के बाद जब वार्म किया तो अगले 12 से 24 घंटे तक उस रूम को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद जब ओपन करोगे तो हो सकता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा हो, तो दैट विल बी डेंजरस, अब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्दर मेथड अप्लाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, द टॉक्सिसिटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड वेपर शुड बी न्यूट्रलाइज विद द अमोनियम सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यदि फॉर्मेल्डिहाइड से फ्यूमिगेशन किया टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए यूटिलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे, अमोनिया, कौन सा यूज करेंगे, अमोनिया, इसका जो तरीका होगा कॉटन बोल 300 ml उसके ऊपर डाला, लगभग 300 ml और 10% अमोनिया डाला और ईच 500 ml फॉर्मेल्डिहाइड के साथ पुट किया और ऑलमोस्ट दे आर पुटिंग इन द सर्जिकल थिएटर, देन
एट लीस्ट 4 आवर बिफोर टेस्टिंग एक्चुअली क्या हुआ ग्रोथ प्रोसेस में सबसे पहले आपने फॉर्मल रिएक्ट के साथ वाटर को मिलाया 45 मिनट तक डिवाइस को रन किया 12 to 24 आवर्स तक रूम को क्लोज किया 24 आवर्स के बाद में उस टॉक्सिटी को कम करने के आपने अमोनिया करने के बाद में जब उसके अंदर आपको रीयूज करना है उस ऑपरेशन थिएटर उस रूम को उससे पहले टेस्ट करना होगा उसका नाम है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टेस्ट ये बताएगा कि स्टिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या टोटली किल हो गए आई वाज पुटिंग हियर स्टेबिलिटी टेस्ट क्या बताता है फ्रीडम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ वाइबल माइक्रो मतलब स्टेबिलिटी टेस्ट नेगेटिव आया तो आपका रूम कंप्लीटली क्या हो चुका है डिसइंफेक्टेड हो चुका है स्टेबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आया तो नीड टू बी फर्दर क्यूबिकेशन आपने यदि देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में कॉटन को दीवार पे रख के ले जाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलता है तो मतलब वो एरिया वो वॉल जो है वो इनफेक्ट पे उसको क्या करना पड़ता है तो एक तो पूछा जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं यू नो टर्मिनिटी टेस्ट सिंगल सेल एनीमिया में टेस्ट करते हैं टर्मिनिटी टेस्ट और यहां पर करते हैं स्टर्मिनिटी टेस्ट तो ये पूरा प्रोसेस होता है शुगर का पास एग्जाम में पर्टिकुलर अमाउंट और एरिया पूछा जाता है ड्यूरेशन पूछा जाएगा डिवाइस को रन करने का ड्यूरेशन पूछा जाएगा दैट वी कैन से 45 मिनट्स कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एमिगर 100% तो यहां पूछा जा सकता है टॉक्सिसिटी को डिफाइन करने के इसको यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यू नो डिफिब्रिलेशन
और वेंटिलेटर, वेंटिलेटर को कॉन्क्रीट डिसइंफेक्टेंट करने के लिए स्विचर मटेरियल, डेंटल इक्विपमेंट, इसमें अपन पीटीओ यूज करते हैं। ये पर्टिकुलर है एप्लीकेशन से इथाइलिन ऑक्साइड, मेनली हार्ट लंग मशीन जिसको आप वेंटिलेटर कहते हैं, वेंटिलेटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए अपन पीटीओ का यूज करते हैं। Shortly, we are going to discuss regarding sterilization of disinfectant. Now, we are going to see immunoglobulins. A question of immunoglobulins comes up. Kabhi kabhi puchenge maximum ya abundant, macro, blood ko protect karne wala, saliva mein present rehne wala, is tarah ke question puche jayenge. Immunoglobulins is called antibody group. Mainly, immunoglobulin is a substance hota hai, they are forming by the serum, tissue group response against the antigen. आप लोग ब्लड बनते हैं, जब ब्लड की कंपोजिशन में हम देखते हैं ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है कितना परसेंट, प्लाज्मा और सेल कितना होता है, प्लाज्मा में आपने देखा होगा प्रोटीन होता है 7%, वाटर होता है 91% और अदर सब्सटेंस होता है 2%। और 7% प्रोटीन के अंदर चार चीजें पड़ते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटोबिन और फिब्रिनोजन। इसके अंदर ग्लोबुलिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वर्क करता है एज ए एंटीबॉडी, और इसको फाइंड आउट करने वाला पर्सन का नाम है पॉटर एडलमैन निसोनोव, इज अ फाउंडर टू डेवलप टेक्निक दैट वाज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1964। कैन यू टेल मी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल 1963 में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, डराएंगे धमकाएंगे कि मैंने फलानी जगह कोचिंग की, मैंने 5 बार कोचिंग की है, डरना नहीं, हमसे बड़ा हमसे मजबूत होएंगे, ये एनवायरमेंट इस बात को आपको जोधपुर से स्टार्ट होगा चलने के बहुत हो गए, यू नीड टू पेशेंस। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन इम्यूनोग्लोबुलिन से शॉर्ट ही पूछा जाता है, जैसे आईजीजी का पुट किया, आईजीजी को आप बोलते हैं मेजर, मतलब सारे इम्यूनोग्लोबुलिन में सबसे अधिक पाया जाने वाला, बड़ा पूछेंगे तो अपन बताएंगे आईजीएम, आई वाज पुटिंग मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन या मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब अधिक, जैसे नहीं बोलते ब्लड सेल में मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन होता है, आरबीसी, कौन होता है, टिश्यूज में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और इम्यूनोग्लोबुलिन में मोस्ट अबंडेंट कौन होगा, आईजीजी। देन क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि मदर के प्लासेंटा के द्वारा कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर होकर के पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन कॉज करता है, आईजीजी होता है, कि मदर से प्लासेंटा के द्वारा कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर होगा और उसके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होगी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होगी। आगे मैं आपको इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन में बताऊंगा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कॉल होती है, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसका काम है टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, मैं सारे इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन बताऊंगा, ये बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है, आईजीए बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, आईजीएम ब्लड को प्रोटेक्ट करता है, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के अलग अलग काम होते हैं। यदि एग्जाम में पूछे विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन आर रिस्पांसिबल टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, तो आपको आंसर क्या लिखना, आईजी, विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन आर डिपेंडेंट सबसे अधिक कौन सा, दूसरे नंबर पे आईजीए आएगा, पहले नंबर पे सबसे अधिक जो है आईजीसी, पांचों में सबसे अधिक और पांचों में सबसे
बड़ा आईसीएम, एम से याद रखना मेट्रो, मेट्रो मतलब बड़ा, उसमें आईसीएम आएगा। Then ICA, second major, first major कौन था? Second major, then तीन चीजों में होता है, saliva, tear और ब्रश में, एक पे पूछा ही जाता है। Saliva, saliva में 99.5% water होता है, 5% other substance होता है, 0.5%। Saliva, tear, ब्रश में, इन तीनों में ICA पाया जाता है। कभी पूछते सलाइवा में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, कभी पूछते ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, कभी पूछते टीयर्स में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, आईजी ए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। द ऑफर वर्क एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कभी काम करता है और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? सर्फेस ब्लड को प्रोटेक्ट कौन करता है? आईजी सी बॉडी सर्फेस को प्रोटेक्ट कौन करता है? आईजी ए ब्लड को प्रोटेक्ट कौन करेगा? आईजी एम IgM, so that are responsible to protect the body surface. Next ICD, देखिए ICD, ICA, ICD, ICE, ICM, पांच इम्यूनोग्लोबुलिन्स तीन इम्पोर्टेंट, ICG बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पे ICA, तीसरे नंबर पे ICM, ICE भी पूछा जाता है, कभी-कभी ICD भी पूछा जा सकता है, ICD जो है, ये हमेशा B लिम्फोसाइट के सरफेस को पाया जाता है, यू नो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के सरफेस को पाया जाता है, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है ICM. IgM जो है ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करते हैं। आज मैंने मॉर्निंग बेंच में क्वेश्चन दिया पेपर में, दैट इज IgM, तो ब्लड को प्रोटेक्ट करेगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट और मैक्रो। सिंपल तरीका M से याद रखना, M का मतलब मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा, आप आरबीसी की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं एनीमिया में मैक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक, है ना, तो दैट इज अ ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे लार्ज कौन सा होता है, तो लिखना आईजीएम, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है तो लिखना आईजीसी। नेक्स्ट आता है आईजीई, जो शायद रिसेंट में पूछा भी है, इंक्रीज द क्वांटिटी इन द एनर्जेटिक इंडिविजुअल, और इसको हम बोलते हैं मीडिएट रिएजेंट हाइपर सेंसिटिविटी। अभी मैं आपको सारे इम्यूनोग्लोबुलिन का बताऊंगा कि कहां का रोल प्ले करता है, इसको मीडिएट रिएजेंट यू नो हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 टाइप 2 टाइप का अलग अलग पढ़ते हैं, ये रोल प्ले करता है मीडिएट रिएजेंट हाइपर सेंसिटिविटी में, और ये कॉज होती है एनर्जी रिएक्शन के द्वारा, इसको एक्यूट एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कहा जाता है, उसको प्रिवेंट करते हैं, मदद करते हैं। आजकल आपको टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जाता है, टाइप फर्स्ट को क्या कहते हैं, टाइप सेकंड को क्या कहते हैं, टाइप थर्ड को क्या कहते हैं, टाइप फोर को क्या कहते हैं, फर्स्ट में कौन सा हीमोग्लोबिन रोल प्ले करता है, सेकंड में कौन सा हीमोग्लोबिन रोल प्ले करता है, यू कैन सी एन एवरीवन चार तरह की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एग्जाम में नाम पूछा जाता है, फर्स्ट को एलर्जी और इमीडिएट ग्रुप, और एलर्जी और इमीडिएट ग्रुप कौन सा एंटी हीमोग्लोबिन रोल प्ले करेगा, आईसी ई। दूसरे के नाम है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इसमें आईसीएम और आईसीसी दोनों रोल प्ले करते हैं। तीसरा इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये एग्जाम आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स, इस आईसीसी रोल प्ले करता है। और फोर्थ का नाम है डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें टी सेल काम करता है, टी सेल इज अ पार्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी। तो चार तरह की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट को अपन बोलते हैं
एलर्जी या इमीडिएट, थर्ड को बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन कौन से अल्टरनेटिव रेंज होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के और कौन कौन सा मीडिएटर का काम करता है, तो वहां पर पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिंस दिया होता है। एग्जाम में किसी भी हाइपर सेंसिटिविटी का नाम पूछा जा सकता है कि टाइप फर्स्ट का क्या नाम है, टाइप सेकंड का क्या नाम है, टाइप थर्ड का क्या नाम है, ऐसा भी पूछा जाता है कि एलर्जी में कौन सा टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी पार्टिसिपेट करता है, टाइप फर्स्ट कौन सा टाइप फर्स्ट, जिसका नाम है एलर्जी या इमीडिएट, एलर्जी या इमीडिएट। Find out
प्रीवियस 3 to 4 month कंट्रोल ऑफ शुगर, पिछले 3 से 4 महीने कंट्रोल ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका शुगर कंट्रोल में है तो 5.7% वैल्यू आएगी, यदि प्री डायबिटीज इंडिकेट करें तो 6.4 आएगा, यदि 6.5 से ज्यादा इंडिकेट किया तो आपको अभी भी क्या है डायबिटीज, उसका भी अपन से हम लोग किस मिले पर्पन एग्जाम में ये पूछ आता है। अभी मैंने सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड डाला होता है और ये यूज करते हैं आरडीएस फास्टिंग ब्लड शुगर, क्वेश्चन आता है वो ब्लड शुगर के लिए ब्लड सैंपल जिस वाइल में लेते हैं उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है सोडियम। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, व्हेन वी आर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर द डायबिटीज पेशेंट वी शुड कलेक्ट विद सोडियम क्लोराइड, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, कौन सा सब्सटेंस होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं एबीसी एनालिसिस का सैंपल हिपेरिनाइज सीरीज में लेते हैं, सुनते हैं हिपेरिनाइज सीरीज में लेते हैं, यदि पूछा डायबिटीज है पेशेंट का तो दैट मींस इट्स अ सोडियम क्लोराइड।
inside the bus get exposed to the cold, long exposed to the cold, that can cause frostbite. नसी मैनेजमेंट में भी को रिबॉम करते हैं क्योंकि वॉर्म करना जरूरी होता है कोल्ड एरिया से. हैंडल द पार्ट जेंटली मोबिलाइज और एलिवेट अबाउट द हार्ट लेवल टू इंक्रीज द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट. अवॉइड यूजिंग ड्राई हीट एंड नेवर रब द मसाज टू द पार्ट. एंड व्हाट इज द साइन ऑफ कंपार्टमेंट. आपने पढ़ा होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर. यस सर. कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर पढ़ा. यस सर. वहां पर भी कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बनता है ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है. यहाँ पर फूड का एक्यूमुलेशन हुआ दैट कैन कॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम. देखिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम फ्रैक्चर का भी कॉम्प्लिकेशन है और यहाँ पर पेशेंट सफर विद फ्रॉस्टबाइट दैट कैन कॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Responsible to obtain incompetence and for the doctor, nurse, nursing officer, physician. इन्फर्मेशन
proscenium novi, proscenium septicum, proscenium orbicans, proscenium botulinum. Proscenium, gangrene में तीन gangrene होता है, direct gangrene, back gangrene, gas gangrene. Gangrene का most common cause होता है proscenium orbicans. देखिए दिया, novi भी cause है, proscenium orbicans. This is both gangrene.
with a different kind of quality impulse. देखिए कुछ स्केल्स करेंगे अपन एग्जाम में, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर आपको बताओ इसके पीछे बनता है. एग्जाम में स्केल का नाम लिखा होता है, आपको उसका पर्पज पूछा जाता है. जैसे विजुअल एनालॉगस, विजुअल एनालॉगस का मेन पर्पज है प्रोसेस द पेन फियर चिल्ड्रन और एडल्ट में विदाउट कॉन्सिस, विश फॉर पेशेंट विद कॉन्सिस. यहाँ पे स्केल दिया है आपने व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले बच्चे कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ. क्या बोलते हैं इसको? आई वॉन्ट टू योर साइड इमोजी ना, गुस्से में होते हैं, खुश होते हैं, इस तरह की इमोजी बनती होगी. आज जाके देख सकते हो व्हाट्सएप पे हर तरह की इमोजी मिलेगी. इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन जो है उससे अपने पता लगाते हैं. स्केल का नाम तो एग्जाम में सीधा पूछेगा कि विजुअल एनालॉगस स्केल का पर्पस क्या. सिंबल टू असिस द पेन ऑफ फियर, पेन ऑफ फियर दैट्स अ विजुअल एनालॉगस स्केल. स्केल का नाम और पर्पस एग्जाम में पूछा जाता है. देख लीजिए ये सारी इमोजी क्या इंडिकेट करता है. माइल्ड मॉडरेट पेन को इंडिकेट करता है. जहां टीयर्स की बारात आती वहां कॉस्ट पेन होता है. Visual analogous scale used to assess the pain, fear. Next, numerical rating scale. That also used for to assess the pain. Numerical rating scale. पांच चीजें इसका असिस्ट करते हैं. इसका नाम है पेस लैग एक्टिविटी क्राइम कंसोलिडेटिव स्केल FLACC. तो यूज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी, लेकिन छोटे बच्चों में यूज करते हैं. इसमें से बहुत सारी चीजें नो नीड टू राइट इट लिखे. इसमें फेस को लिखा के नो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन स्माइल तो जीरो नंबर दे दिया. देन एसेंशियल ग्रीनिश डेवलप हो रहा तो एक दे दिया. फ्रीक्वेंट लाफ्टर है तो दो दे दिया. बट याद रखना कि स्केल का यूज किया है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पेन स्केल को. इसको बिहेवियर के अकॉर्डिंग असिस करना है कि पेन कैसा है. देखिए हमेशा आप किसी भी पेन को देखते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन के हिसाब से अगर देखा जाए एक को देखते हैं लोकेशन, लोकेशन एक देखते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एक देखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक देखते हैं रेडिएशन कहां हो रहा है, कब से हो रहा है, सीवियर कैसा है और किस तरह रेडिएट हो रहा है. इस तरह के अपन कैरेक्टरिस्टिक से पता लगाते हैं कि पेन किस तरीके का है. तो दैट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी शुड फाइंड आउट. इसमें क्या देखते हैं, पेस है, लैग की एक्टिविटी है, क्राई कैसा कर रहा है. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है पेशेंट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है और इसको अपन बोलते हैं It will be used for the behavior observation. इसमें पांच एलिमेंट्स मेनली होते हैं, फेस, लैग, एक्टिविटी, क्राई और कंसोलिडेटिव. ये इंपॉर्टेंट है. यहां दो राउंडेड गोले बना रखे हैं, एक तो पूछा हुआ वायलेंट पे और एक से पूछा हुआ है अन अराउज पे. दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कौन सा इसके लिए? एनीबडी? आई थिंक नोबडी. रिच मूड, एजिटेशन, सेडेशन स्केल. To use to measure agitation and sedation level of a person. Patient का sedation level assess करने में use करना है. यदि patient violent है, देखिए बहुत सारे characteristics का ये क्वेश्चन आता है. Violent है तो क्या indicate करता है? +4 target को indicate करता है. यदि patient unarousable है
तो यहाँ माइनस फाइव को इंडिकेट करता है, ये दोनों वेटिंग नोट कर लीजिएगा कि प्लस फोर क्या इंडिकेट करता है और माइनस फाइव, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑन स्पेसिफिक यू शुड नोट डाउन कि यदि पेशेंट को रिस्मत एजिटेशन सजेशन स्केल यूज कर रहे हैं और इसमें प्लस फोर आपको प्लस फोर रीडिंग मिला है तो वायलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस फाइव मिला है अनअराउजेबल, अनअराउजेबल दो स्पेसिफिकेशन है, अनअराउजेबल रिप्रेजेंट करता है माइनस फाइव को, वायलेंट रिप्रेजेंट करता है प्लस फोर को। स्केल का नाम, उसका यूज, वायलेंट को क्या ग्रेड मिल रहा है और अनअराउजेबल को क्या मिल रहा है, माइनस फाइव इंडिकेट करता है अनअराउजेबल। यहां पर दो है, एक तो रेस्टनेस और दूसरा 43 स्टिमुलस, व्हिच इज द स्केल नाम से आएगा एग्जाम्पल। देखिए ये 1974 में आया, इसका नाम रामसेस स्केल है, रामसेस टू मेजर डिफरेंट लेवल ऑफ सेडेशन इन अ क्रिटिकल पेशेंट। सेडेशन को रिफ्लेक्ट करता है, यदि पेशेंट रेस्टलेसनेस में तो वन स्कोर उसको मिलता है, और यदि पेशेंट जो है ऑडिटरी स्किमुलस है, ऑडिटरी मतलब हियरिंग, तो सर उसको फोर मार्क्स देते हैं। ये नंबर है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, रेस्टलेसनेस और ऑडिटरी, अदरवाइज बहुत सारी चीजें देखते हैं। सीधा पूछते हैं कि राम से स्केल का यूज क्या है, टू मेजर डिफरेंट लेवल ऑफ सेडेशन, सिंपल टू मेजर द लेवल ऑफ सेडेशन, स्केल का नाम है राम से स्केल। नाम लिखना है उसका पर्पज लिखना राम से स्केल। Paseo walking on paper day. We use to sedation when I administer opioid medication. Opioid medication किसी patient को दे रहे हैं, small percentage हो सकता है, average हो सकता है, उस समय ये scale अपन use करते हैं, इसका नाम है Paseo opioid induced।
इसमें अभी तक एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक आगे आती है मल्लम पट्टी, मल्लम भी एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब
भाई मजेदार है। मल्लमपति स्कूल और मल्लमपति क्लास देखिए, इसमें मेनली क्या देखा, चार क्लासेस ग्रुप किया हुआ है। आई यूज एंड एडेप्टेशन लॉजिक्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल लेवल ऑफ डिफिकल्ट एंड सब्सिक्वेंट रिस्क इन इंक्यूबेटिंग पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। मतलब ये भी अपन एनेस्थेसिया में बाद में यूज करने वाली स्किल है। इसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा दो इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने लिखा है कंप्लीट विजुलाइजेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। देखिए ऊपर का क्या होता है, हार्ड पैलेट को डाउन का सॉफ्ट पैलेट। पेशेंट जब माउथ ओपन करते हैं तो कंप्लीट विजुलाइजेशन यदि करा सॉफ्ट पैलेट का, ये क्लास फर्स्ट कहलाता है, मतलब ठीक ठाक। क्लास सेकेंड का मतलब कंप्लीट विजुलाइजेशन किसका होता है, यूएलआर। यूएलआर मतलब जो हैंगिंग ऑर्गन होता है, दैट इज यूएलआर। यूएलआर का काम होता है टू प्रिवेंट एंट्रिंग ऑफ द स्टोमक कंटेंट इनटू द नोज। यूएलआर जो है वो जब आप वोमिटिंग करते हो तो स्टोमक कंटेंट को नोज और नेसोफेरिंग्स में एंटर होने से प्रिवेंट करता है, उस ऑर्गन का नाम है यूएलआर। थर्ड क्लास में विजुलाइजेशन ऑफ ओनली द बेस ऑफ द यूएलआर, और फोर्थ में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओपनिंग भी ड्रॉप दिख रहा है। ये एनेस्थेसिया के बाद जब पेशेंट को गैप रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, उससे पहले के स्टेजेस है चार क्लासेस, इसको अपन मल्लमपति स्कोर कहते हैं या मल्लमपति क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लास फर्स्ट और क्लास टू दोनों इंपॉर्टेंट है, मल्लमपति और मल्लमपति क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है यदि एन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का फर्स्ट ग्रेड जो है वो इंडिकेट करता है हेल्थी पेशेंट, और सिक्स इंडिकेट करता है डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, मतलब कि डाइंग। तो दो ये कैरेक्टरिस्टिक यहां पर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सिक्स। हेल्थी को क्या इंडिकेट करता है, ब्रेन डेड को क्या इंडिकेट करता है। एग्जाम में पूछेंगे कि पेशेंट का फिटनेस चेक करना है सर्जरी से पहले तो कौन सा स्केल यूज करते हैं, दैट मींस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट।
kind of innovation. Impulse attraction. Hello? Or maybe by use of them? Cervical spine disorder में. Hello, this is why you have. ये skeletal traction का example. दो तरह का traction पड़ता है, skin traction और skeletal. That you can say hello is. नंबर अंदर जाता है और स्कोलियोसिस में साइट में कर्म के पड़ते हैं उसमें से किस डिवाइस का नाम बताओ मेरी बात की प्रेस सर्वाइकल थोरैकल लंबर सेक्टर ऑर्थोसिस की बोलते हैं और याद करना ये स्कोलियोसिस और काइकोसिस का ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इस तरीके से प्रेस लगा के टेबल मैंडेट में सीधा बिठाया जा सकता है डिवाइस भी कैसे मेरी बात की प्रेस और सर्वाइकल एक अंश बैक वो दो अंदर हम बोलते हैं काइकोसिस में थोरैसिक वर्टिब्रा आउटवर्ड उल्टा दैट इज अ काइकोसिस लोटोसिस में एल से याद रखना लंबर वर्टिब्रा इनवर्ड होता है लंबर वर्टिब्रा इनवर्ड होता तो क्या होगा लोटोसिस और स्कोलियोसिस से याद रखना है स्कोलियोसिस का मतलब और काइकोसिस दोनों के ट्रीटमेंट में अपन यूज करते हैं मिल वाकी प्लस सर्वाइकल थोरैकल लंबर सेक्टर ऑर्थोसिस ये इस डिवाइस का नाम है दैट विल बी यूज कौन सा विशेषण इसका नाम क्या है इसका नाम क्या नाम इट विल यूज फॉर एक्सटर्नल फिक्सेशन यस इलीज़ा का प्रेडेस बोलते हैं और दैट विल बी यूज एक्सटर्नल फिक्सेशन स्पेशली लेंथन द लिंप वॉन और ये एक्सटर्नल फिक्सेशन अपन पढ़ते नहीं रिडक्शन देन फिक्सेशन इंटरनल फिक्सेशन में रॉड नेल पिन वायर सब यूज करते हैं और दैट विल बी एक्सटर्नल फिक्सेशन ऑफ द बॉन फोटो के अंदर एक बेटी है बच्चे की उम्र 5 साल है इसका फीमर फ्रैक्चर है एक पैर में फ्रैक्चर है पैर को 90 डिग्री को होल्ड किया दूसरा उसके साथ है प्रयाम और गालो इसमें यूज करते हैं चित्र अंदर सीख सी बर्थ से फीमर फ्रैक्चर में इसमें यूज करते हैं फीमर फ्रैक्चर Then this is the last slide. This is the last slides. Last slides. और इसे छोटा सा contribution है. चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं. कैंसर की पुष्टम करने के लिए कुछ और चीजें आपके अकाउंट में ऐड की गई. You have good knowledge. Everyone those who are seated here. They have good knowledge. They have capability to fight. But I editing little bit that will be helping for your competitive exam. Then best wishes, best of luck everyone. Thank you, sir. We are sitting last 4 hours. Yes, sir. Thank you everyone for your patience. Yes, sir. Dusra, kal jab aap log exam dekhoge, kuch cheeze jo hai, to aapka target hoga 75. 70 to 75, aapko aate to aap 90 kare, I have no problem. आपको आते हैं यू शुड डू टोटली करके आए बट आपका टारगेट जो होगा वो 75 का होगा 70 to 75 दूसरा माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप 5 से 7 क्वेश्चन के रिस्क ले सकते हैं प्लीज डोंट ट्राई टू गो बैक यहां पर ऑफलाइन एग्जाम है यहां पर ऑफलाइन एग्जाम है आगे पीछे आप बार बार जाओगे पड़ोसी का नहीं देख पाओगे जैसे ऑनलाइन में देखते हो और वहां गलतियां ज्यादा करते हो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन है उसमें सारे नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे
आपके जूनियर्स, आपके क्लासमेट्स, आपके टीचर्स, हर सोसाइटी के लोग होंगे, बोले पांच बार कोचिंग की है, दस बार की है, चार बार साउंडर पढ़ा है, पांच बार एमफ्लेक्स पढ़ा है, ऐसी बातें चलेगी। बड़ी बड़ी बुक्स होगी आपके फ्रेंड के पास। जब आप यू शुड बी रिलैक्स योर माइंड, किसी भी सेंटर तक ये माहौल मिलेगा, सेंटर के बाहर तक, पेड़ के नीचे जहां गैप मिले वहां सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं। किया है, यू शुड डू योर 100%। डोंट, उसका नुकसान एम्स बठिंडा में नहीं होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है, प्लस माइनस होगा, जीआईएनसी फैमिली ऑलवेज भी दे रहा है। नई जर्नी स्टार्ट करें, एक तारीख को एमसीक्यू मैच नया स्टार्ट हो रहा है, एम्स रीओपन कर रहा है, पीजीआई चंडीगढ़ में 430 वैकेंसी आ रही है, अपने सामने अपॉर्चुनिटी और खुल रही है, और एक क्वेश्चन मार्क में राजस्थान की वैकेंसी भी आ रही है। शुड बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्थी, बी पॉजिटिव, और गाने सुनना, अच्छे दोस्तों के साथ टाइम मत निकालना, बुक से डरने की जरूरत है, मस्त रहना। समझ मारा है? सही बात। और एक रिव्यू जरूर लेके आना, व्हाट अबाउट द रिव्यू ऑफ योर जेएनसी द मार्केट। आपको रिव्यू लेने के लिए अननोन पर्सन से बात करना है। जेएनसी में जो भी वीकनेस मार्केट में आइडेंटिफाई होती है, वी आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। और ये रिव्यू स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं दे सकता। दूसरा, जब एग्जाम देने जाओ, यू शुड वियर जेआईएनसी टी शर्ट। तिरंगा लगा हुआ है, देशभक्ति के साथ साथ जेआईएनसी फैमिली की फीलिंग आई, और ऐसा लगेगा कि हम जेआईएनसी में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। सर भी डांट खा रहे हैं वहीं बैठे हैं, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बैग कैरी करना है, टी शर्ट पहन के जाना है, एटलीस्ट एग्जाम सेंटर पे पहन के जाइए, और कुछ बदलाव दिखेगा। कोई भगवान को मानता है, कोई मदर फादर को मानता है, कोई पिछले दो दिन से भगवान की पूजा में लगा हुआ है। भगवान, गॉड इज एवरीवेयर। और जो भी ऑनलाइन जेएनसी के फॉलोअर्स है यूट्यूब चैनल पे, उनको भी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। होप आप लोग बहुत अच्छा करके आए, और ये प्लीज ध्यान रखना, आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। आप जो बेहतर कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता, और ना आज तक आपसे बेहतर कोई बना है। यदि बना है तो खड़ा करके बता देना। दैट मीन्स यू आर एवरीथिंग योर लाइफ।